बिहार के मॉल में मुस्लिम होने की चुकानी होगी कीमत। मुस्लिम होने पर मॉल में नहीं मिलेगी नौकरी। मुस्लिम होने पर धोना पड़ेगा नौकरी से हाथ। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। बिहार के एक मॉल में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहाँ मुस्लिम लोगों को नौकरी न देने, मुस्लिम युवकों को काम से निकालने की बात सामने आई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। क्योंकि यहाँ काम करने वाली एक लड़की ने मॉल के मैनेजर पर आरोप लगाया कि मुस्लिम होने की वजह से सर लोगों को काम पर नहीं रखते। यहाँ पे जो मैनेजर हमारे लाल जी गुप्ता नाम है उनका, ठीक है, हिंदू है वो। और यहाँ जो अभी स्टाफ हायरिंग ले रहे हैं गार्ड के लिए, तो वो जो भी मुसलमान आ रहे हैं वो कह रहे हैं हमको हिंदू स्टाफ चाहिए, मुस्लिम को हम नहीं रखेंगे। तो इसी बात को लेके काफी टाइम से हम लोग हिंदू मुस्लिम नोटिस कर रहे, बट अभी किसी भी टाइम में हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं करे। लेकिन आज प्रॉपर टाइम से लग रहा है हम लोग को कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तभी आज हम लोग आवाज उठाए इसके लिए। जिसके सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मॉल के मैनेजर के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा काटा, इसी वजह से ये मामला सुर्खियों में आ गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कहां का है। बिहार के मॉल में मुस्लिम होने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मुस्लिम होने पर मॉल में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये हम कोई ऐसे ही नहीं कह रहे। ये जो आप सुन रहे हैं वो एकदम सच है। क्योंकि बिहार के किशनगंज में जहां बीते सोमवार को किशनगंज के एक मॉल में काम करने वाली युवती से मैनेजर ने यह कह दिया कि मुस्लिम है इसलिए नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, तो मॉल में काम करने वाली युवती ने मैनेजर पर धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। पूरा मामला शहर के पश्चिम पाली स्थित एक मॉल का है। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि सोमवार की देर शाम मॉल में ही काम करने वाली युवती ने बताया कि मैनेजर लालजी गुप्ता पर यह आरोप लगा है। युवती का कहना था कि लालजी गुप्ता ने कहा तुम मुसलमान हो इसलिए नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, और भेदभाव किए जाने के विरोध में मॉल में कार्यरत हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के कर्मी गोलबंद हो गए। इसके बाद मैनेजर के खिलाफ जमकर हंगामा करने लगे। मॉल में हंगामा होते देख मॉल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहीं मॉल में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों ने भी मैनेजर लालजी गुप्ता के खिलाफ रोष व्यक्त किया। कुछ कर्मियों ने मैनेजर पर मॉल में केवल हिंदू समुदाय के युवा युवतियों को छोड़ मुस्लिम समुदाय के युवा युवतियों को नौकरी पर रखने से इनकार और पुराने कर्मियों को सेवा मुक्त करने का आरोप लगाया। वहीं मॉल के मालिक शम्स इम्तियाज उर्फ सन्नी ने बताया यह जिला सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मिसाल है, यहाँ इस तरह की सोच के व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि मॉल के वरीय अधिकारियों से उनकी बात हुई है, मैनेजर को तत्काल काम से हटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हंगामा होता देख मैनेजर लालजी गुप्ता मौके से फरार हो गए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वैसे एक किसी भी सभ्य समाज के लिए ये होना ठीक नहीं है, क्योंकि जाति और धर्म के आधार पर अगर ऐसे भेदभाव होता है तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो एक मानसिकता है वो खराब होती है, माहौल खराब होता है, और ऐसा समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देश सभी का है, देश में सभी को नौकरी मिलनी चाहिए, सभी को काम मिलना चाहिए, और ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। आप इस बारे में अब क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर दें।